हेलो फ्रेंड्स, केम छो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो एंड आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि है कंप्लीट गरबा लुक एंड आउटफिट पे। यस फ्रेंड, मैं आज आपके लिए लेके आ रही हूँ वेरी क्विक एंड इजी मेकअप ज्वेलरी एंड आउटफिट आइडियाज फॉर योर गरबा डोडियो एंड डांडिया नाइट। सो लेट्स मूव ऑन, बट बिफोर दैट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियोस को एंड चैनल को बड़ा वाला थम्स अप एंड लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स गेट। फर्स्ट ले रही हूँ एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर एंड इसे अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लूंगी टैप टैप मोशन में। एंड मैं फिर ले रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 128। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, इजीली एंड स्मूथली ब्लेंड हो जाता है फ्रेंड्स। अभी तक मैं इसे 2-3 times यूज़ कर चुकी हूँ एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से टैप टैप मोशन में ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे। आप देख सकते हो कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है ये मेरा फाउंडेशन मेरे फेस पे, बिल्कुल भी पैची नहीं दिख रहा और बहुत ही अच्छा लुक देता है। एंड इसे सब जगह अपने नेक पे, ईयर्स पे अप्लाई कर लेना है ताकि सारे एक टोन में दिखे, कहीं डार्क कहीं लाइट ऐसा ना दिखे। नाउ मैं ये ले रही हूँ कंसीलर जो कि मैंने अभी ही अमेजोन से परचेस किया था, बट इसका शेड कलर करेक्टर के जैसा आ गया तो मैं एज ए कलर करेक्टर ही यूज़ कर ले रही हूँ। इसे अपने डार्क सर्कल पे एंड थोड़े जहाँ भी डार्क पैचेज हैं वहाँ पे यूज़ करूँगी मैं, लाइक लिप्स एरिया पे। ठीक ही है यूज़ में, नॉट बैड। एंड इसे भी अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नाउ मैं ले रही हूँ अपना 3-in-1 कॉम्पैक्ट जिसमें कंसीलर है, इसे भी मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए यूज़ करूँगी एंड फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। इसे मैं अपने हैंड और फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, वो मुझे ज़्यादा इजी और प्रेफरेबल लगता है। नाउ मैं इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने आईज के ऊपर। नाउ टू सेट माई फाउंडेशन एंड कंसीलर मैं यूज़ करूँगी मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट इन द शेड पर्ल। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है कॉम्पैक्ट एंड इसे भी मैं अच्छे से टैप करते हुए ऑल ओवर फेस, नेक एंड ईयर्स पे अप्लाई कर लूँगी। आईज़ पे थोड़े से ज़्यादा से अच्छे से अप्लाई करना है फ्रेंड, ताकि आपका कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए और आपको आई शेडो लगाने में ईजी हो। आपको ईयर्स भी कवर करने हैं इसमें, नेक भी एंड सब जगह अच्छे से अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ब्रोज को पहले ब्रश अप करके सेट कर लूँगी अच्छे से एंड फिर पेंसिल अप्लाई करूँगी। मैं ले रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का डार्क ब्राउन शेड जो कि बहुत ही रियल एंड नेचुरल लुक देता है मेरे आईब्रोज को, आप देख सकते हो यहाँ पे। नाउ द आई शेडो पार्ट, मैं यहाँ पे हिलेरो राडो का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सॉरी गाइज, आई डोंट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट, जिसे मैंने अभी ही अमेजोन से परचेस किया है। एप्लीकेशन में बहुत अच्छा है, इट्स पिगमेंटेशन इज़ गुड। आप देख रहे होंगे मैं जो कलर ट्रांजिशन शेड के लिए लिया वो काफ़ी ज़्यादा हो गया बिकॉज मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी एंड डोंट नो मच अबाउट इट्स पिगमेंटेशन एंड ऑल। तो इसे थोड़ा थोड़ा एंड हल्के हाथों से ही अप्लाई करना है ये ट्रांजिशन शेड अपने आई क्रीज एरिया पे, लाइक आई एम अप्लाइंग। नाउ मैं डार्क कलर आई शेडो यूज़ करूँगी अपने आउटर कॉर्नर पे टू गिव इट लिटिल मोर स्मोकी इफेक्ट, बिकॉज नाइट फंक्शन में बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे मेकअप। दोनों शेड को अच्छे से मिक्स करते हुए ब्लेंड कर लूँगी ताकि लाइंस ना दिखें, दोनों शेड आपस में मर्ज दिखें। नाउ मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी ये पर्पल शिमरी आई शेडो जो मेरे आईज़ को और भी ब्यूटीफुल शाइनी एंड शिमरी दिखाने में हेल्प करेगा। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है ये सारे कलर्स आपस में मिल के। नाउ माय आई शेडो एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड, कुछ ऐसा लुक लग रहा है मेरे आई शेडो का। नाउ द आई लाइनर पार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइज, तो लाइनर अप्लाई करना तो कभी स्किप ना करें एंड पार्टी फंक्शन में थोड़ा थिक एंड विंग लाइनर लगाना भी प्रीफर करें, बहुत ही अच्छा लुक देता है ये आपके आईज को, काफ़ी बोल्ड एंड अट्रैक्टिव।
नाउ मैं अप्लाई करूंगी काजल एंड आपके आईज को कंप्लीट लुक काजल लगाने के बाद ही मिलता है, तो इसे भी स्किप ना करें कभी भी फ्रेंड्स, राइट। नाउ माय फेवरेट पार्ट मस्कारा, इसे भी अप्लाई जरूर करना चाहिए बिकॉज इट गिव्स वॉल्यूम, एक्स्ट्रा लेंथ एंड थिकनेस टू योर लैशेज, सो ये भी मस्ट है आपके मेकअप में, तो इसे भी स्किप बिल्कुल ना करें। ये मैं फॉल्स लैसेज अप्लाई कर रही हूँ बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, आप चाहे तो लगाओ चाहे तो ना लगाओ, आई हैव दीज लैसेज दैट्स वाई मैंने लगा लिया, अदरवाइज नॉट नेसेसरी टू अप्लाई दीज लैसेज। दिस इज द कम्प्लीट लुक ऑफ माई आई फ्रेंड एंड लास्ट टचअप के लिए मैं अप्लाई करूँगी ये आई शेडो अपने लोअर लैश लाइन पे एंड यूज़ करेंगी वो पहले वाला पर्पल शेड जो मैंने अपने इनर कॉर्नर पे यूज़ किया था टू गिव इट अ फाइनल टच। नाउ ब्लशर टाइम, मैं ये ब्लू हेवन का ब्लशर ले रही हूँ जिसे मैंने रिसेंटली ही अमेजोन से परचेस किया था, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया बट प्राइस वाइज इट्स नॉट बैड, इसे भी मैं ब्रश के हेल्प से चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से एंड मैं ओरिफ्लेम का गोल्ड ब्रॉन्जिंग पर्ल यूज़ कर रही हूँ एज ए हाइलाइटर टू गिव शाइनिंग इफेक्ट ऑन माई चीक नोज फोरहेड एंड चिन, इसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी यूज़ किया था फ्रेंड एज अ ब्लशर। नाउ मैं लगाऊंगी लिप लाइनर, इसे अच्छे से आउटलाइन पे अप्लाई के बाद लिप्स पे भी अप्लाई कर लूँगी, इसे एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, इजीली रिमूव नहीं होती। इसके बाद लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी एंड मैं यहाँ पे डार्क मरून शेड यूज़ किया है फ्रेंड। कंप्लीट मेकअप के बाद आ रही है हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी की, तो मैं पहले हेयर स्टाइल में पफ विथ मेसी बन लुक कर रही हूँ जिसके लिए मैंने पहले सेंटर पार्टीशन कर लिया है एंड मांटिका को अच्छे से पिनअप करके सेट कर लूँगी अपने हेयर्स के साथ ताकि वो इधर उधर मूव ना हो एंड फिर पफ बना लूँगी जो कि बहुत ही इजी एंड सिंपल है फ्रेंड एंड बन भी बहुत इजी वाला ही बना रही हूँ, वही कॉमन जो हम रेगुलर घरों में बनाते हैं रोज, सब जगह से अच्छे से पिनअप कर लूँगी अपने हेयर्स को और फिर जल्दी से बन बना लूँगी और इसे भी यू पिन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी और ये बन जाएगा मेरा ब्यूटीफुल सा बन, आप देख सकते हो यहाँ पे। नाउ है ज्वेलरी नेकपीस की बारी जो कि ऑक्सीडाइज सिल्वर में है, सिंपल एंड लाइट ही पहना है बिकॉज मेरी इयररिंग्स एंड टीका काफ़ी हैवी है एंड ये सारी ज्वेलरी मैंने लोकल शॉप से अलग अलग जगह से परचेज की है फ्रेंड, बहुत ही चीप एंड रीजनेबल रेट्स में। मैं पहन रही हूँ बिग राउंड रिंग जो कि मेरी इयररिंग से बिल्कुल मैचिंग है एंड मुझे बहुत पसंद आई है एंड लास्ट में कड़ा। नाउ माय ज्वेलरी पार्टी इज कंप्लीटेड एंड लास्ट में फ्रेंड्स फाइनल गरबा लुक के लिए ये 3 डॉट्स तो बनते ही हैं लगाना, तो इसे ज़रूर लगाएं टू ऐड लिटिल ड्रामा टू योर लुक। दैट्स ऑल फ्रेंड, नाउ हैव अ लुक टू माई कम्प्लीट आउटफिट ज्वेलरी एंड मेकअप लुक, होप यू ऑल इन्जॉय माई वीडियो फ्रेंड एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे खूब सारा प्यार दें एंड अपने लाइक के थ्रू एंड अपने फैमिली फ्रेंड कुलीग सब के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड लाइक बिकॉज आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे मोर वीडियोज़ बनाने के लिए, सो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट कि कैसा लगा आपको ये मेरा लुक एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल द लव एंड लाइक, बाय बाय, सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।